मधुश्री, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम ब्यूटी बिट्स। दोस्तों आज मैं आप सबके लिए एक बहुत ही एक्साइटिंग वीडियो लेके आई हूँ। दोस्तों ये है हुडा ब्यूटी डेजर्ट डक्स पैलेट का कॉपी पैलेट। इसको मैंने फ्लिपकार्ट से लिया है ओनली 350 रुपीज में। जो ओरिजिनल पैलेट है उसका प्राइस करीब 5000 के करीब है और जो सिर्फ और सिर्फ आपको nykaa.com पे मिलेगा। तो मैंने जो पैलेट लिया है उसका परचेस लिंक एंड जो ओरिजिनल पैलेट है उसका भी परचेस लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप दोनों प्रोडक्ट ही चेक कर सकते हो। दोस्तों आज मैं इसका रिव्यू लेके आई हूँ एंड इसको यूज करके मैंने ये आई मेकअप क्रिएट किया है। इसको भी आप कैसे क्रिएट कर सकते हो बहुत ही आसानी से, वो भी मैं आपको बताऊंगी। ये जो आई मेकअप है आप देख सकते हो कितना गॉर्जियस है, कोई भी फंक्शन के लिए आप क्रिएट कर सकते हो, बट इसको क्रिएट करना बहुत ज्यादा आसान है। तो मेरा पूरा वीडियो आप जरूर देखना, इस आई मेकअप ट्यूटोरियल को भी आप देखना है, आपको कैसा लगा वो भी आप मुझे बताना। एंड सो दोस्तों चलिए जल्दी से देखते हैं सभी शेड्स का स्वाचेस एंड कैसे वो पिगमेंटेड है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। एंड दोस्तों उसके बाद मैं ये वाला आई मेकअप ट्यूटोरियल भी आपको दिखाऊंगी। आज मैंने ये वाला आई लुक क्रिएट किया है इस पैलेट के साथ। इसके बाद मैं इस पैलेट को यूज करके और भी बहुत सारे आई मेकअप लुक क्रिएट करने वाली हूँ। उसको देखने के लिए आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आप ब्यूटी रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस देख सकते हो एंड मेरे दोस्त भी बन सकते हो। और हाँ दोस्तों मेरा ये वीडियो कैसा लगा वो भी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना वीडियो के एंड में। तो चलिए देखते हैं आगे। दोस्तों ये है मेन पैलेट एंड ये पैलेट इस तरह के एक सुंदर बॉक्स में आता है जो कि मुझे काफी अच्छा लगा। एंड दोस्तों इसके पीछे इसका इंग्रेडिएंट लिस्ट दिया हुआ है कि जो जो चीज से ये आई शेडोज बना हुआ है। और दोस्तों ये जो पैलेट है ये कितना सुंदर है आप देख सकते हो। इस प्राइस रेंज में हम ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते और कोई भी पैलेट से, ये बहुत सुंदर है। इसके पीछे भी सेम इंग्रेडिएंट लिस्ट दिया हुआ है लेकिन कोई भी मैन्युफैक्चरिंग या फिर एक्सपायरी डेट इस पैलेट में नहीं दिया हुआ है। उसके बाद दोस्तों हम ओपन करेंगे और आप देख सकते हो इस तरह का एक गार्ड है, एक मिरर है। ओरिजिनल जो पैलेट है उसमें मिरर थोड़ा सा बड़ा है एंड उसमें मिरर के ऊपर ही हुडा ब्यूटी लिखा हुआ होता है, लेकिन ये मिरर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। इस तरह का एक सुंदर गार्ड है जो बिल्कुल ओरिजिनल पैलेट जैसा लगता है। उसके बाद दोस्तों ये सब खूबसूरत आई शेडोज है। और दोस्तों ये जो कलर है, ये आई शेडो मेरे हाथ से थोड़ा सा पैलेट गिर के ये थोड़ा सा टूट गया है, इसको आप थोड़ा सा इग्नोर कर सकते हो। एंड जो बाकी शेड्स है वो बहुत ज़्यादा सुंदर है। ये जो कलर है रॉयल, ये मेन पैलेट में थोड़ा सा पर्पलिश कलर है, यहाँ पर थोड़ा सा कॉपरिश कलर है, लेकिन इसका पिगमेंटेशन बहुत ज़्यादा अच्छा है। जो मैट आई शेडोज है एंड ग्लिटरी शिमरी आई शेडोज है वो सभी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, सुंदर है। इस प्राइस रेंज में हम इस तरह के पिगमेंटेशन नॉर्मली एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं एंड इसका शेड्स भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। अगर आप एक अफोर्डेबल आई शेडो पैलेट लेना चाहते हो तो इस आई शेडो पैलेट को मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगी। ये जो स्वाचेस है ये फर्स्ट रो के स्वाचेस है। जो एकदम फर्स्ट कलर है वो बिल्कुल मेरे स्किन से मैचिंग है, तो आप इसको थोड़ा सा कम देख पा रहे होंगे, लेकिन बाकी जो कलर से आप देख सकते हो कितना ज़्यादा पिगमेंटेड है। वन स्ट्रोक में ही बहुत अच्छा कलर आता है जो मुझे बहुत अच्छा एंड सरप्राइजिंग लगा इस प्राइस रेंज में। ये जो है दोस्तों सेकेंड रो के स्वाचेस है, जो शेड से काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। दोस्तों एक ही सेम पैलेट में आपको मैट एंड शिमरी आई शेडोज मिल जाएंगे, जो कि मुझे एक काफ़ी अच्छी बात लगी। इस पैलेट को यूज़ करके आप बहुत सारे आई लुक क्रिएट कर सकते हो, पार्टी मेकअप लुक क्रिएट कर सकते हो। ये जो स्वाचेस है दोस्तों, ये थर्ड रो के स्वाचेस है एंड जो शिमरी कलर्स है वो तो मुझे इतना अच्छा लगा मैं आपको बता नहीं सकती। अगर आप एक मेकअप लवर हो तो आप इस पैलेट को एक बार ज़रूर ट्राई कर सकते हो, बिल्कुल भी आप रिग्रेट नहीं करोगे। कुछ कुछ शेड्स ओरिजिनल पैलेट से बिल्कुल अलग है, जैसे कि ये कॉस्मोस जो शेड है वो ओरिजिनल पैलेट में थोड़ा सा ग्लिटरी है, लेकिन ये एक नॉर्मल शिमरी शेड है। ये जो ऑरेंज ये जो गोल्डनी शेड है वो ओरिजिनल पैलेट में लाइट गोल्डन कलर का है एंड यहाँ पर डार्क गोल्डन कलर का है। एंड जो ये फर्स्ट दो कलर है ये ओरिजिनल पैलेट में थोड़ा सा लाइट है एंड इस पैलेट में थोड़ा सा डार्क है। दोस्तों हम चलिए
अब स्टार्ट करते हैं आई मेकअप। उसके लिए हम पहले मेबलिन का फिट मी कंसीलर एज अ आई शेडो बेस यूज कर रहे हैं। उसके बाद हम इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। उसके बाद मैं मेबलिन का सुपर फ्रेश कॉम्पैक्ट यूज करके इसको अच्छे से सेट कर लूंगी। ये काफी इम्पोर्टेंट स्टेप है। उसके बाद दोस्तों जो ये शेड है ईडन, ये एक पीची सा लाइट शेड है, इसको मैं अपने क्रीज में अप्लाई करूंगी एंड अच्छे से इसको ब्लेंड करूंगी थोड़ा सा टाइम लेके। उसके बाद दोस्तों जो ये शेड है कैशमीर, इसको हम अपने आईलिड पे अप्लाई करेंगे फिंगर की मदद से, क्योंकि जो शिमरी शेड्स होते हैं वो फिंगर की मदद से काफ़ी अच्छे से अप्लाई होते हैं। एक बार या फिर दो बार अप्लाई करने के बाद ही आपको बहुत ही अच्छा कलर अपने आईज पे देखने को मिलेगा, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। दोस्तों अगर आप इस पैलेट को एक नॉर्मल आई शेडो पैलेट की तरह देखोगे तो ये एक बहुत ही अच्छा पैलेट है इस प्राइस रेंज में। उसके बाद दोस्तों जो ईडन कलर है पीची सा, उसको मैं फिर से लूंगी अपने ब्रश पे एंड अच्छे से ब्लेंड करूंगी आई शेडो का जो एजेस है उसको। उसके बाद जो ये एम्बर कलर है, ये एक थोड़ा सा ब्राउनिश कलर है, इसको मैं एक पेंसिल टाइप ब्रश की मदद से अपने आउटर वी में एंड थोड़ा सा अपने क्रीज में अप्लाई करूंगी। उसके बाद दोस्तों मैं एक क्लीन ब्लेंडिंग ब्रश लेके आई शेडोज का एजेस को अच्छे से ब्लेंड करूंगी ताकि कोई हर्श लाइन ना रहे। उसके बाद मैं मेबलिन का पेन लाइनर यूज करके एक सिंपल विंग्ड आईलाइनर ड्रॉ करूंगी। उसके बाद दोस्तों मैं मेबलिन का जो क्रीम आईब्रो पेंसिल है इन दी शेड ब्राउन, उसको मैं अपने लोअर लैश लाइन में अप्लाई कर रही हूँ। आप अगर कोई बिग ओकेशन पे जा रहे हो तो आप ब्लैक कलर का काजल भी यूज कर सकते हो, वो भी काफी अच्छा दिखेगा। उसके बाद मैंने जो क्रीज पे दो कलर अप्लाई किया था ईडन एंड एम्बर, उसको मैं एक पेंसिल ब्रश की मदद से अपने लोअर लैश लाइन में अप्लाई करूंगी, इससे आई मेकअप काफी अच्छा लगेगा। उसके बाद मैं मेबलिन का हाइपर कर्ल वॉल्यूम मस्कारा यूज कर कि अपना जो आई मेकअप है उसको कंप्लीट करूंगी। एंड दोस्तों ये है फाइनल लुक, आपको कैसा लगा आप जरूर मुझे कमेंट करके बताना। सो दोस्तों आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आई होप मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा। आपको कैसा लगा आप मुझे जरूर कमेंट करके बताना, क्योंकि मुझे आप सबके कमेंट पढ़ने में बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। एंड दोस्तों मेरे चैनल पे और भी बहुत सारे मेकअप ट्यूटोरियल्स है, उनका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी एंड प्रोडक्ट लिंक भी मैं दे दूंगी। तो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो है आप जरूर चेक करना, वहां पे आपको बहुत सारे ऐसे ही मेकअप रिलेटेड वीडियोस होम रेमेडीज मिलेंगे। एंड दोस्तों अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो उसको जरूर लाइक करना एंड अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ फेसबुक व्हाट्सएप एंड अदर सोशल मीडिया पे जरूर शेयर करना, ताकि और भी बहुत सारे लोग मेरी ये वीडियो देख सके। आज के लिए इतना ही, जल्दी से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।